हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल, साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट पास हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया है गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। दोस्तों, यहां पे आपको मिलने वाला है बम्पर सैलरी 1000 रुपया प्रति क्लास और मैक्सिमम 50,000 रुपया तक का आपको सैलरी मिल सकता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह एक गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है, यह परमानेंट वैकेंसी नहीं है। कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकलकर आया था परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का बहाली, ये उनसे अलग है। ये बिल्कुल टेम्पररी बेस का है, गेस्ट फैकल्टी के लिए है। अगर यदि कि आप यूजीसी नेट पास हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। कुछ और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि यहां पर फीमेल कैंडिडेट को कोई फी पेमेंट नहीं करना है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर क्या फीमेल से हैं तो आप इस फॉर्म को और भी जरूर भरें, क्योंकि यहां पे आपको किसी भी तरीके का कोई फी पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। दोस्तों, बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, और उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि कहां से आप उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा 21 जून 2019 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को मैं बता दूं कि ये नोटिफिकेशन उस नोटिफिकेशन से अलग है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ दिन पहले जारी किया गया था परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए। दोस्तों, ये गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए जारी किया गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा 21 जून को। दोस्तों, अगर यदि बात करें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा इस फॉर्म को फिल करने का, तो साफ साफ लिखा हुआ है रेगुलेशन 2018 को फॉलो किया जाएगा। रेगुलेशन 2018 यह कहता है कि अगर यदि कि आपके पास पीजी में 55% मार्क्स है और उसके साथ नेट की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें फी पेमेंट से रिलेटेड डिटेल का, तो अगर यदि कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से, बीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पे 500 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर यदि कि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज पेमेंट करना होगा। वहीं दोस्तों, अगर यदि कि आप में से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई है या फिर अगर यदि कि आप फीमेल कैटेगरी से आती हैं तो आपको यहां पे कोई भी फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यहां पे फी पेमेंट आपको करना होगा आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू। दोस्तों, इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग होना जरूरी है खुद से फी पेमेंट करने के लिए। अगर जबकि नहीं है तो आप किसी और से करा सकते हैं, कैफे जाकर के करा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। इसके लिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ, आरटीजीएस या फिर एनईएफटी जब आप करते हैं तो आपको अकाउंट नंबर की जरूरत होती है, आईएफएससी कोड की जरूरत होती है, टाइप ऑफ अकाउंट पूछा जाता है, बैंक नेम पूछा जाता है, ब्रांच नेम पूछा जाता है और फिर ब्रांच कोड पूछा जाता है। तो ये सारे डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है, ये सारे डिटेल फिल करके आप आसानी से फी पेमेंट कर सकते हैं और उसका रिसिप्ट को प्रिंट आउट ले सकते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट का, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं यहां पे कि ये फॉर्म आप लोगों को ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंत में। और उसके बाद दोस्तों, यहां पे जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड कर देना है 12/7/2019 से पहले तक में, यानी कि 12 जुलाई 2019 तक रखा गया लास्ट डेट इस फॉर्म को पहुंचने का इलाहाबाद। दोस्तों, यदि बात करें पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि कब तक के लिए ये टेम्पररी बेस का वैकेंसी फुलफिल किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे साफ कर दिया गया कि ये प्योरली टेम्पररी है, यानी कि बिल्कुल इसको आप ये नहीं मान सकते हैं कि ये परमानेंट बेस का है। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि पीरियड ऑफ वन सेमेस्टर, यानी कि एक सेमेस्टर के लिए सिर्फ इसको रिक्रूट किया जा रहा है, जो कि मे बी एक्सटेंडेड, मतलब कि हो सकता है बढ़ाया भी जा सकता है यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट अगर जबकि नहीं हो पाता है जो कि अभी इस वक्त चल रहे हैं परमानेंट का, वो
तो उन केस में बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज ये फिलहाल अभी एक सेमेस्टर के लिए अपॉइंट किया जाएगा जो कि एकेडमिक ईयर 2019-20 होने वाला है। दोस्तों जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस कॉलम में सब्जेक्ट का नाम और यहाँ पे अनरिजर्व का कितना सीट है, EWS का कितना सीट है, BC1 का कितना सीट है, SC का कितना सीट है, ST का कितना, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट से वैकेंसीज हैं। अगर जिसके आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर भरें। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 202 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। दोस्तों अब नीचे आते हैं, बात करते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन का इस फॉर्म को भरने से संबंधित। सबसे पहला ये कहा गया कि आपको फॉर्म जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ कहा गया कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें क्या क्या लगाना है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी आपको लगाना है, जहां पे मार्कशीट्स होंगे और सर्टिफिकेट होगा, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उसके नीचे आप सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे और अपना सिग्नेचर और डेट लिखेंगे। इसके अलावे दोस्तों जो आप फी पेमेंट करेंगे उसका ट्रांजेक्शन आईडी लिखना है आपको, और वो जो स्लिप होगा या फिर कह लीजिए प्रिंट आउट होगा पेमेंट का, वो भी आपको लगा देना है। उसके साथ साथ अगर दीदी आपके पास कोई और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये पांचवा जो कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेम्यूनरेशन फॉर द गेस्ट फैकल्टी शैल बी एज पर UGC नॉर्म्स। आप लोगों को पता होगा UGC का जो लेटेस्ट नॉर्म है वहां पे साफ साफ ये कहा गया कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को अब 1000 रुपया प्रति क्लास और मैक्सिमम 50,000 रुपीज पेमेंट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों बहुत ही बम्पर सैलरी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ लास्ट डेट मेंशन किया गया जो कि 12/7/2019 रखा गया। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए आपके पास वो कहा गया, तो 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर इसके आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 5% का आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे साफ किया गया है कि अगर जिसकी आप SC ST OBC कोटा को क्लेम करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी प्रॉपर वे में। ये नहीं कि ऐसा वैसा कास्ट सर्टिफिकेट कहीं का बना हुआ नहीं चलेगा, कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं EWS कैटेगरी का यदि कोई स्टूडेंट क्लेम करता है तो उसके पास भी प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर के उसको EWS कैटेगरी का स्टूडेंट माना जाएगा। दोस्तों एक चीज और है यहाँ 20वां नंबर कॉलम में, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अब बिना देर के मैं आपको लिए चलता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के लिए आपको अपने गूगल में टाइप करना है www.alldunib.ac.in। जैसे ही आप टाइप करते हैं और सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे 21 तारीख का जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन वेरियस डिपार्टमेंट। यहाँ पे दोस्तों आप उस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं जो अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। उसके अलावे एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी है, डिपार्टमेंट का नाम आपको भर देना है, अपना जो भी सब्जेक्ट हो उनका नाम आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नाम भरेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पे अपना एक फोटो चिपका देना है। यहाँ पे नाम आप भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप फादर्स नेम भरेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का डिटेल मांगा गया वो आप डालेंगे, मैरिजल स्टेटस मांगा गया वो डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालना है, 10th में कितना मार्क्स था वो डालना है, 12th में, ग्रेजुएशन में, PG में, PhD MPhil है तो आप वो डालेंगे, नेट सिलेक्ट का यहाँ पे जानकारी आप डाल देंगे। उसके अलावे जैसे आप नीचे आएंगे यदि आपके पास कोई अवार्ड है, रिसर्च पब्लिकेशन है तो उसके बारे में आप यहाँ पे डालेंगे, अगर यदि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर यदि कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसे भी अब टीचिंग एक्सपीरियंस माना गया है तो आप यहाँ पे वो भी भर सकते हैं। ये नहीं कि अब यहाँ पे आप उसे नहीं भर सकते, यहाँ पे बिल्कुल आप भर सकते हैं, यहाँ पे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस माना जाएगा रिसर्च एक्सपीरियंस को भी।
नीचे जब आप आएंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे और इस तरीके से आप इसे प्रिंट आउट ले लेंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को सेंड कर देंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना सारा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाने के बाद। दोस्तों ये था वो वीडियो, कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस फॉर्म को जरूर भरें अगर जितके आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो। दोस्तों अगर जबकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। दोस्तों इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई अपडेटेड वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।